एग्जाम को जुलाई में मान के तैयारी करें लेकिन एग्जाम सितंबर में होगा। मैंने दो बातें बोली थी, देखिए दोनों में एक गजब का कनेक्शन है। मैंने कहा कि जुलाई को मानकर तैयारी करें आप, देखिए मुझे तो नहीं पता था कि जुलाई की आज कोई खबर आएगी क्या, और मैंने कहा कि एग्जाम सितंबर में होगी। आज भी मैं वही बात आप लोगों को कह रहा हूं कि किसी भी एग्जाम, आप रिट एग्जाम की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हो, आप हमेशा जो प्रस्तावित तिथि है उससे हमेशा 2 महीने पहले मान के चलिए। आपकी जो तैयारी हो वो 2 महीने एडवांस हो। यदि वास्तव में आप बहुत सीरियस हैं उस एग्जाम के प्रति, यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि मेरी रैंक के साथ सिलेक्शन हो, तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम चाहे कभी भी हो लेकिन मैं उस प्रस्तावित डेट से 2 महीने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूं। तो याद रखिएगा, आप बेहद अच्छी दौड़ में हैं और निश्चित रूप से आप उस दौड़ में हैं जिस दौड़ में उसेन बोल्ट दौड़ता है, और उसेन बोल्ट जब दौड़ता है तो याद रखना वो कभी हारता नहीं है, वो थकता नहीं है, वो केवल जीत के जाता है। तो मैं दोस्तों हमेशा एक बात बोलता हूं, कितने सारे कंफ्यूजन है हमारी जिंदगी में, खुद के कंफ्यूजन है। जैसे आप लोग कोई टॉपिक को पढ़ते हो और टॉपिक को पढ़ने के बाद कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि सर याद ही नहीं हुआ, सर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये एक्चुअली क्यों होता है, ये आप लोग एक नेगेटिविटी को आकर्षित करते हैं। तो मैं